नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जहां आज राजस्व सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही खनन विभाग, GST, परिवहन और आबकारी विभाग का एक्शन प्लान CM योगी के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि NXC भवन में 5:30 बजे बैठक होगी, वहीं मुख्यमंत्री योगी सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लेंगे। तो आपको बताते चले कि अपने दूसरे कार्यकाल में CM योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार वो बीते कई दिनों से कई विभागों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। साथ ही 100 दिनों का जो उन्होंने वादा किया है जनता से, जो उन्होंने प्रदेश की सूरत बदलने का दावा किया है, CM योगी आदित्यनाथ उस वादे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों CM योगी आदित्यनाथ ने तमाम विभागों की अधिकारियों के साथ, सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की थी। वही 100 दिनों के कार्य का एक रोड मैप, जो खाका तैयार किया गया था विभागों द्वारा, उसको CM योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया गया था। साथ ही आपको बताते चले कि जो सभी विभाग है, इन सभी को करीब 30 मिनट का समय दिया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज खनन और वित्त विभागों की जो है CM योगी आदित्यनाथ के सामने बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी मरतबा शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से विकास के मॉडल जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, उसको जमीन पर उतारने के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है सभी विभागों की कि अपने विभाग 100 दिन के विकास का खाका तैयार करके और प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री और जो संबंधित जो भी अधिकारी है उनके मौजूदगी में प्रस्तुत करें। उसी क्रम में आपको बता दें कि 10 सेक्टर में विभागों को बांटकर और प्रेजेंटेशन का दौर विगत कई दिनों से चल रहा है। उसी क्रम में आज ठीक 11:30 से 2 बजे के बीच प्रस्तुतिकरण की शुरुआत होगी, जिसमें गृह विभाग, कारागार एवं प्रशासन, सचिवालय प्रशासन और वही बात की जाए तो क्रमिक होमगार्ड एवं कारागार मंत्रालय का प्रस्तुतिकरण होगा। वहीं अगर बात करें तो 4:30 बजे NXC बिल्डिंग में राजस्व सेक्टर एवं GST, परिवहन, अबकारी एवं भूतत्व एवं खनन विभाग एवं संग्रह का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो मुस्कान, साफ तौर पे इन सभी विभागों के द्वारा 100 दिन को लेकर जो बदलाव करना है और साथ ही साथ विकास के कार्य करने हैं, संकल्प पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारने का प्रयास जो योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसी क्रम में निर्देश के बाद ये सभी विभाग आधे घंटे का एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिस प्रेजेंटेशन में अपने विभाग के जो उपलब्धियां हैं जो पिछली सरकार की, साथ ही साथ जो आने वाले 100 दिन में काम करेंगे उस पे चर्चा की जाएंगी। साथ ही आपको बताते सभी विभाग की तरफ से लगभग आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होगा। ये प्रेजेंटेशन उन विभागों के सचिव एवं प्रमुख सचिव करेंगे और उससे संबंधित अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो जर्जर तरीके की बसें हैं उत्तर प्रदेश परिवहन के अंदर में, उसमें बदलाव करते हुए नए बसों की लाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो लंबे रूट हैं उस पे जो जर्जर बसें हैं आए दिन हादसे का शिकार होती हैं। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से कहा गया था सरकार बनते ही कि सबसे पहले वो बसों की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो आम जनता है उसके आशा अपेक्षाएं लगाए बैठा है कि परिवहन के अंदर में कुछ बसों को नया ला के उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। वहीं अगर बात की जाए अबकारी की, तो उत्तर प्रदेश का अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अबकारी का उसमें एक बड़ा योगदान रहता है। तो अबकारी विभाग की तरफ से कुछ नए ठेके का जो प्रावधान दिए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे सरकार को अच्छा राजस्व मिल सके। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 25% अबकारी विभाग मदिवा पे डिस्काउंट देता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार सरकार उस पर अपना रुख बदल सकती है। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें खनन में, तो खनन में अगर देखें तो विगत कुछ पुरानी सरकारें थी उसमें मैनुअल तरीके से खनन के पट्टे होते थे और अगर अब देखें तो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और ऑनलाइन माध्यम के बाद तमाम जांचों के बाद अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है तो उसको वो खनन के ठेके नहीं दिए जाते हैं, तमाम जांच के बाद दिए जा सकते हैं। तो ऐसे तो विभांशु, जब आप खनन के ठेके अब लोगों को जो पट्टेदारी है वो ऑनलाइन दी जाती है, विभांशु अब जो खनन के पट्टे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से दिए जाते हैं, तो क्या कुछ चेंजेस यानी कि बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
पहले जहां एक तरफ भू माफियाओं का वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन होने से भू माफियाओं का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है खनन के क्षेत्र में। जी बेशक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो बाहुबली प्रवृत्ति के लोग होते थे उनका ठेके पर एक कब्जा हुआ करता था। अगर अब बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदनकर्ताओं को दबा धमका कर उनको पीछे हटा दिया जाता था। पिछली सरकारों में ऐसे आरोप कई सारे लगे हैं, तो जिसको देखते हुए हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यमों से ठेके दिए जाए जो पिछली सरकार में भी दिए गए थे, इस बार भी उसी पे सरकार का दबाव है, प्रयास रहेगा कि ऐसे काम किए जाए। साथ ही आपको बता दें कि होमगार्ड डिपार्टमेंट के आज प्रेजेंटेशन में जो तमाम होमगार्ड की नियुक्तियां की गई थी जिनके अब होमगार्ड विभाग के कुछ आला अधिकारियों को पिस्टल देने की बात कही गई है कि यूपी पुलिस की जैसे उन्हें भी पिस्टल दिया जाएगा, उन्हें भी मैदान में पुलिस विभाग के साथ उनकी एक वाहिनी के तौर पे होमगार्ड डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए कहीं ना कहीं देखे तो होमगार्ड विभाग के जो आला अधिकारी है उनको पिस्टल देने की बात कही जा रही है, वहीं मानदेय बढ़ाने की भी बात हो सकती है। साथ ही साथ होमगार्ड विभाग को कैसे उनके सृजन के लिए कैसे उनको काम में लिया जाए, इस पे भी चर्चाएं की जा सकती है और कुछ नया प्रारूप देखने को मिल सकता है। विभांशु, अगर जीएसटी विभाग की बैठक की बात करी जाए, अगर जीएसटी की बैठक की बात की जाए तो पिछली सरकार में जब जीएसटी लागू की गई थी तो लोगों में रोष देखने को मिल रहा था, तो क्या लगता है इस बार जो जीएसटी की जो विभागों के साथ बैठक होनी है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या क्या कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं? जी मुस्कान, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए जीएसटी में कुछ प्रदेश के अंदर में कुछ ऐसे जगह जो आम जनता है उसको छूट मिल सकती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे जगह उनके अब जेब पे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर माना जाए तो तमाम ऐसे घरेलू उत्पादन को आप देख रहे हैं कि आजकल आसमान छू रहा है दामों को, अगर देखे तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कुछ जगहों से जीएसटी हटाए जा सकते हैं, स्टेट टैक्स हटाए जा सकते हैं और कुछ जगह बढ़ाए जा सकते हैं जिससे प्रदेश का राजस्व आ सके। और वहीं अगर बात की जाए वित्त विभाग की तो प्रदेश को की जीडीपी में ग्रोथ लाने को लेकर वित्त विभाग तमाम अगर देखें तो पिछली सरकार में भी काफी बढ़चढ़ के प्रयास कर रहा था कि प्रदेश का जो जीएसटी है उसमें ग्रोथ हो, उसी क्रम में ऐसा माना यह जा रहा है कि प्रदेश के विकास को लेकर वित्त विभाग पूरी तरह तैयार है और आने वाले 100 दिनों में कैसे राजस्व लाया जाए और इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए इसको 100 दिनों की चर्चाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि वित्त विभाग की तरफ से ऐसे कई सारे फंड और बजट का अलॉटमेंट किया जा सकता है। चाहे बात की जाए तो शहरी एवं ग्राम विकास मंत्रालय में गांवों के विकास के लिए वित्त विभाग की तरफ से फंड दिए जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं उसको जमीन पर उतारने को लेकर और उसे सफल बनाने को लेकर वित्त विभाग उसे भी बजट का अलॉटमेंट कर सकता है। वहीं अगर बात करें तो भूतल एवं खनन विभाग एवं अवकारी सभी विभागों के प्रेजेंटेशन आधे घंटे में देने होंगे, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो तमाम 100 दिनों के जो काम है उस पे चर्चाएं होंगी, इस प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री की मुहर के बाद उस पे काम किया जाएगा। जी विभांशु, इस बैठक में खनन माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी कर सकती है योगी सरकार? जी मुस्कान, अगर बात करें तो इसमें खनन विभाग के ठेके अलॉटमेंट होते हैं और अगर बात करें तो ऐसे कई प्रारूप लाए जा सकते हैं जिससे पारदर्शिता के साथ जो लोगों को ठेके मिल सके, साथ ही साथ वो अच्छे बेहतर ढंग से काम कर सके और अगर बात की जाए तो गुणवत्ता के आधार पे जो बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करे उसी ऐसे ही लोगों को चिन्हित करके और तमाम नॉर्म्स के बाद उन्हें अलॉटमेंट किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो होमगार्ड विभाग को अगर देखें तो वो यूपी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, तो हो सकता है कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और होमगार्ड को मिलने वाली फैसिलिटीज को बढ़ाई जाए और उनके वर्कलोड को अगर देखें तो कोविड काल में आपने देखा था कि यूपी पुलिस के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटियां लगाई जा रही थी। चौराहों पर अगर बात करें जाम से निजात मिलने को तो ट्रैफिक विभाग के साथ भी होमगार्ड विभाग को लगाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं देखे तो पुलिस की जो 44 वाहिनी है तो उसमें होमगार्ड विभाग एक ऐसा विभाग है जो सभी विभागों के साथ परिपूरित होकर और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तो होमगार्ड विभाग से अगर देखे तो उनके मंत्री धर्मवीर प्रजापति कुछ नए ऐसे पैतृवे को अपना कर और अपने विभाग को चमकाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और उनके लिए होमगार्ड विभाग के जो आला अधिकारी हैं जो उनको पिस्टल देने की बात कही जा रही है उसी क्रम में जो उससे सिपाही हैं उनकी
वर्दी से लेकर मानदेय बढ़ाने के प्रारूप भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं आज मुख्यमंत्री के समक्ष। और मुख्यमंत्री की मुहर के बाद इन सभी जो 100 दिन के काम है उसकी शुरुआत होगी। आने वाले 100 दिन में ये आपके सामने होगा कि किस तरह का काम किया गया और इस प्रेजेंटेशन से क्या लाभ हुआ। जी मुस्कान विभांशु, आज साथ ही साथ आबकारी विभाग की भी बैठक होनी है। ये एक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है क्योंकि प्रदेश का राजस्व सबसे ज्यादा इसी विभाग से आता है। लेकिन बीते दिनों कच्ची शराब की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि कच्ची शराब पीने से तमाम लोगों की तमाम जनपदों में मौत हुई थी। तो इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है या क्या कुछ लिया जा सकता है इस बैठक में? जी अगर बात करें तो आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल की तरफ से तमाम ऐसे नॉर्म्स को प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे कच्ची शराब पे रोक लग सके। साथ ही साथ अगर बात करें तो ऐसे तमाम जगहों पे जो अवैध ठेके चल रहे हैं जिसका कागजों में कहीं लिखित नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग की टीमों को ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं कि तमाम ऐसे अवैध ठेकों पे नजर बनाए, साथ ही साथ कच्ची शराब जहां बन रही है उस पर नियंत्रण पा सके। वही अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में विगत कुछ महीने पहले कच्ची शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। तो इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए आबकारी विभाग की तरफ से तमाम ऐसे नए नियम बनाए जा सकते हैं जिससे आबकारी विभाग पूरे एकदम पारदर्शिता के साथ काम करे। और आने वाले समय में अगर देखें तो राजस्व के मामले में आबकारी विभाग नंबर वन रहा है, तो इसको और ऊपर शिखर तक ले जाने के लिए जो उनके मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, उनकी तरफ से प्रयास किया जा सकता है। और 100 दिनों के अंदर अगर देखें तो ऐसे तमाम जगहों पे जहां से राजस्व आता है, और अगर बात करें तो जो बाहरी अवैध तरीके से बाहर से आकर आबकारी विभाग की जो उत्पादन होते हैं, चाहे बात की जाए शराबों की, तो उसकी बिक्री पर भी रोक लगाए जा सकते हैं। जो बाहर के प्रदेशों से आकर यहाँ सस्ती दामों पे बिकते हैं, तो इन सब चीजों को छापा भी उनकी तरफ से डाला जाता है। मगर इस पे नियंत्रण पाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिसपे साफ तौर पे इसे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। और उसी क्रम में ऐसे कई सारे, जैसे बात करें तो ऐसे कई सारे दूर दराज के इलाकों में कच्ची शराब की खबरें आती हैं कि वहां बनती है और पुलिस उस पर छापा मारती है, तो उसको लेकर उसके कानून को थोड़ी मजबूती लाते हुए जो ऐसे लोग होंगे उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर देखे तो कानूनी प्रक्रिया में कुछ ऐसे दाव पेच और बढ़ाए जा सकते हैं कि वो इस पे रोकथाम हो सके। जी धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यानी इन बैठकों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठकों का दौर जारी है, तमाम विभागों का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र में कल चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय बच्चे की लोहे के पोल से टकराकर मौत हो गई थी। वो मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस पर स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ने का आरोप लगाया है। वही गुस्साए परिजनों ने मोदी नगर थाने के सामने NH रोड को जाम कर दिया है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वही परिजन इस मामले पर लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारी पीड़ित परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर मामला सामने आया है जहां पर एक स्कूल बस में एक छात्र की मौत हो गई। बीते दिनों चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय बच्चे की लोहे के पोल से टकराकर मौत हो गई थी। वही इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वही पुलिस पर स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने मोदी नगर थाने के सामने जो भी रोड है उसे जाम कर दिया है और लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वही इस मामले पर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है कि पुलिस द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जा रही है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी छोड़ दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि जो बस ड्राइवर है वो भी फरार बताया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी मुस्कान, बता दूं आपको, देखिए जिस तरह से कल गाजियाबाद के अंदर में एक स्कूली बस के अंदर में एक बच्चे की मौत हो जाती है, वो भी आकस्मिक तरीके से होती है क्योंकि कोई कारण नहीं बताया जाता उसका। लेकिन अगर बात करें प्रबंधक की, स्कूल प्रबंधक की और ड्राइवर की, तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, भाग गया था,
कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक का साफ तौर पे कहना है कि इस बच्चे को, जो बच्चा जा रहा था स्कूल के लिए, और खास तौर पे परिवार जनों का भी कहना है कि स्कूल के लिए हमने बच्चे को सही सलामत भेजा था, लेकिन आखिर ऐसा बीच में क्या हुआ जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। और साफ तौर पे अगर प्रबंधक की बात की जाए, स्कूल प्रबंधक का कहना है कि यह बच्चा वॉमिटिंग करने के लिए अपना सर बाहर निकालता है गाड़ी के बाहर, तो कहीं ना कहीं उसका एक पोल से टकराने से, सर टकरा जाने से उसकी मौत वहीं हो जाती है मौके पर। जी मुस्कान, यानी कि कहा जाए कि बसों का यानी कि फिर फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर स्कूल बसेस को देखें तो उसमें हमें पोल लगे हुए नजर आते हैं जिससे कि बच्चे खिड़की से अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल सके, खिड़की से ज्यादा बाहर उनका हाथ ना निकल सके। लेकिन अगर बच्चे द्वारा सिर ऐसे बाहर निकाला गया तो यानी कि ये कहा जाए कि इस बस का फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल, अमूमन देखा जाता है कि जो स्कूल प्रबंधक होते हैं खासतौर पे प्राइवेट बसें अलाउड करते हैं बसों में, क्योंकि उनके पास इतना बसों का अंबार नहीं होता, बजट नहीं होता है, जिसके कारण वो प्राइवेट टेंडर दे देते हैं प्राइवेट लोगों को। जिस तरह से अगर देखा जाए तो स्कूल की जो बसें खासतौर पर लगाई जाती है बच्चों के आने और ले जाने के लिए घर के लिए, तो उसके अंदर फिटनेस को लेकर खासतौर पर ये लोग पैसा दे जाके, मतलब अथॉरिटी के अंदर में किसी तरह से अपना घूस पैसा देकर ये बसों का फिटनेस करा लेते हैं। और खासतौर पे अधिकतर बसों में देखा गया है कि बच्चों के प्रति खासतौर पे लापरवाही बरती जाती है, और ये काफी बड़ा मामला है गाजियाबाद का, क्योंकि इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और साथ ही डीएम को आदेश दिए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। वहीं अगर बात करें परिजनों का, तो परिजन नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिजनों का खासतौर पर कहना है कि हमारे बच्चे की जो मौत बताई जा रही है वो एक मौत, जो उसको बताई जा रही घटना बताई जा रही है नहीं बल्कि मौत है। कि आज सुबह की बात करें तो परिवारजनों ने आज मोदी नगर थाने के बाहर NH-58 के पास सभी परिजनों ने वहां बैठकर हंगामा किया है, और अपने बच्चे की जो बच्चे की जितने भी जो मामले हैं उसको लेकर सुनवाई की जाए उसको लेकर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। जी इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया, जिसमें परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही परिजनों ने ये भी कहा है कि अभी तक जो बस का ड्राइवर है उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन द्वारा क्यों बरती जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए जो स्कूल के प्रबंधक जो वहां के प्रिंसिपल थे उनको खासतौर पर कल ही उनको पकड़ लिया गया था पूछताछ के लिए, पुलिस ले भी गई थी, लेकिन कहीं कुछ कारण रहा होगा, कहीं ना कहीं पुलिस ने कुछ अपने कुछ चीजें देखी होंगी, उसके बाद ही उनको छोड़ा गया है। लेकिन उसको प्रिंसिपल को छोड़ने के बाद खास तौर पे परिवार जनों का खास तौर पे कहना है ये मिली भगत चल रही है पुलिस और प्रिंसिपल के बीच में, जिस तरह से पूरी पूछताछ करने के बाद उसमें कोई खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस, और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया। जी लेकिन प्रवीण, ये नकारा नहीं जा सकता है कि अगर बस का फिटनेस टेस्ट हुआ है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासन द्वारा ही बरती गई, जो आज इतनी बड़ी एक खबर हमारे सामने आ रही है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए यानी कि उन्हें प्रवीण, यानी कि उन्हें क्लीन चिट देना फिलहाल पुलिस के लिए अभी गलत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए फिटनेस को लेकर जो मामले अधिकतर कई सामने आते हैं, काफी हादसे जो फिटनेस को लेकर होते हैं सड़क हादसे, इसमें अमूमन बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। लेकिन खासतौर पे अगर स्कूल बच्चे की बात की जाए बस की, तो उसमें आपको एक बता दूं कि गार्ड की भी व्यवस्था की जाती है स्कूल द्वारा, जो कि वो बच्चों छोटे बच्चों के खासतौर पर उसकी देखरेख करे, और उसको स्कूल से लेकर घर तक का उसका पूरा जो सफर रहता है उसमें एक पूरा स्टाफ बैठता है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है जो बच्चों की देखरेख करे। उस बस के अंदर में कोई भी स्टाफ भी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर के मौजूदगी में ये सब काम होता है। जी प्रवीण, अगर देखा जाए तो स्कूल प्रबंधक द्वारा लगातार मामले की लीपापोती की जा रही है, लेकिन जिस बच्चे की जान गई है आखिर अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो पुलिस जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही स्कूल प्रशासन, तो आखिर इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार फिर कौन हुआ? देखिए खासतौर पे जब तक ड्राइवर नहीं पकड़ा जाएगा, ड्राइवर के पकड़ने के बाद ही पूरा मामला खुलासा होगा, क्योंकि ड्राइवर अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर ड्राइवर पकड़ में आ जाता है तो ड्राइवर के द्वारा ही पता चल पाएगा आखिर क्या वजह रही थी, ऐसी कौन सी वजह थी, किस तरह से हो सकता है ड्राइवर नशे में चल रहा हो। मैं अपना ये ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अधिकतर खासतौर पर ड्राइवर जो होते हैं बसों के ड्राइवर या ट्रक के ड्राइवर खासतौर पर नशा कर लेते हैं, कुछ सूखा नशा होता है, कुछ गांजे का नशा या शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में लापरवाही बरतते हुए हो सकता है उस 12 वर्षीय जो बच्चे की मौत हुई है ये कारण हो सकता है। जी प्रवीण, अभी बस ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? देखिए ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पूरी प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है, और पूरी टीम गठित कर दी गई है ड्राइवर को पकड़ने के लिए, उसके प्रयास जारी है। खासतौर पे उसके जो गांव का पता वगैरह जो भी रहे उस पर भी पुलिस दबिश दे रही है, दबिश देने के बाद अगर जिस तरह से ड्राइवर पकड़ में आ जाएगा सारे मामले की खुलासा तभी हो पाएगा। जी
जी इस वक्त परिजनों द्वारा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, तो परिजन इस वक्त क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? जी बिल्कुल, देखिए परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और उनके बेटे की जो बताई जा रही है कि आकस्मिक मृत्यु हुई है किसी तरह के पोल से टकराने से, खासतौर पे परिवार वालों को कहना है कि बच्चे की जो मृत्यु है कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से इस बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसका कारण अभी साफ तौर पे क्योंकि पुलिस भी नहीं बता पा रही है, ना ही प्रबंधक बता पा रहे स्कूल के, तो परिवारजन खास तौर पे इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर उनको न्याय मिले और खास तौर पे पूरे मामले की जांच हो। जी धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाजियाबाद में एक बड़ा मामला सामने आया जहां स्कूल बस में एक छात्र की मौत हो गई, वही लगातार परिजन जो है वो पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस इस मामले पर लापरवाही बरत रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।